हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। स्वागत है आप सभी को परिस लिटिल गार्डन में। आज हम बात करेंगे क्रिसमस प्लांट के सीड्स को कैसे कलेक्ट करें। ये देखिए, इसके फूल अभी लगे हुए हैं, कच्चा है। और ये देखिए, ये पका हुआ है। ये देखिए, दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ऐसा पक्का हुआ सीड्स आप अगर कलेक्ट करके आप जर्मिनेशन करोगे तो इसका जर्मिनेशन रेट 100% आएगा। और बाकी सब इसमें कच्चा है, आप चाहे तो कच्चा भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा है। ये देखिए, ये मैंने अभी अभी तोड़ के जो लाई थी, ये मैंने पहले से तोड़ा हुआ रखा हुआ था जो कि अच्छे से सूख गया है। अभी मैं ये सब एक्चुअली मैं ये सब ऐसे लाई थी, मैं एक काट के फेंकने वाली थी ताकि सीड्स ना बनने पाए और प्लांट मेरे बहुत दिन तक फ्लावरिंग करे, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं, बस इसको इस डिब्बे में ऐसे रख लिए थे खुले, तो ये अपने आप सूख कर ऐसे हो गया। तो इसको मैं ट्राई करूँगी, लेकिन इसमें जर्मिनेशन रेट थोड़ा कम होगा, और इसमें जो प्लांट में सूखा हुआ है ना, वो जर्मिनेशन रेट उसका अच्छा होगा। तो जब भी आप सीड्स रखें तो प्लांट में ऐसे सूखा हुआ जो तोड़ोगे तो उसमें जर्मिनेशन रेट अच्छा होता है। ऐसे कच्चा हुआ जो आप तोड़ के रख लोगे तो ये अच्छे से नहीं होगा। ये देखिए, ये तो पूरा कच्चा है, ये इसका फूल पंखुड़ियाँ अभी टूटा हुआ है। ये देखिए, इसमें कुछ सीड्स वगैरह कुछ है ही नहीं। और ये जो है, इसमें ब्लैक कलर का निकलेंगे, लेकिन इसमें मॉइस्चर है अभी, इसको सुखाना पड़ेगा छांव में। छांव में सुखा सकते हैं, धूप में भी सुखा सकते हैं। ये देखिए, इसको कुछ दिन रखने के बाद ऐसा हो जाएगा पूरा ड्राई। और इसमें जर्मिनेशन रेट 100% होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। और ये वाले जो इस टाइप के हैं, इसमें 70-80% जर्मिनेशन रेट होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।